मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 2 से 3 गोलियां चलाई गईं। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया। वहीं मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ होने की आशंका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। इधर मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक आरोपी यूपी का और दूसरा हरियाणा का है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। बाबा सिद्दीकी शनिवार रात करीब 9:30 बजे ऑफिस से निकले थे। इस दौरान एक कार में से मुंह पर रुमाल बांधकर 3 लोग बाहर निकले और बाबा पर 6 राउंड गोलियां फायर की। इनमें 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के पेट में और 1 सीने पर लगी। सूत्रों के मुताबिक हमले के वक्त स्ट्रीट लाइटें बंद थी और मौके पर सीसीटीवी भी नहीं थे। वहीं सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी, फिर भी बुलेट शीशे में घुसी। माना जा रहा है कि हमलावरों के पास 9.9 mm की एडवांस पिस्टल थी। 15 दिन पहले सिद्दीकी को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कांस्टेबल मौजूद नहीं थे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स जैसे सलमान खान, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा लीलावती अस्पताल पहुंचे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट।